बलरामपुर से बड़ी खबर। बलरामपुर थाना महाराजगंज तराई व थाना हरैया अंतर्गत हुई लूट घटनाओं का किया गया सफल अनावरण। दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार जानकारी दी गई कि जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री योगेश कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी श्री दरवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना महाराजगंज तराई पर अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत अपराध। विगत दिनों थाना महाराजगंज और थाना हरैया में लूट की घटनाएं हुई थी, उसका सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है रिजवान पुत्र समीउल्लाह और दूसरे का नाम है विशाल सोनी। ये जो रिजवान है, इसका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था कि खेत में जो महिलाएँ काम कर रही होती थी दोपहर के समय में, लगभग 3 से 5 के आसपास समय पाकर, जब महिलाएं अकेली रहती थी, अपना उनसे बातचीत करता था अवधी भाषा में, उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर उनके साथ लूट की घटनाएं करता था। इसके द्वारा सभी घटनाएं जो हैं वो स्वीकार की गई हैं। और ये जो घटना करने के बाद जो भी आभूषण होते थे उसको ये जो दूसरा व्यक्ति है विशाल सोनी, इसको बेचता था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो बाइक प्रयुक्त हुई थी घटना करने के लिए, उसकी भी रिकवरी कर ली गई है। जो आभूषण इसके द्वारा लूटे गए थे उनकी रिकवरी कर ली गई है। और जो बाइक इसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था वो भी श्रावस्ती से चोरी की गई थी। इन दोनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है और इन दोनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इनका कुछ? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।